नागपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ बुजुर्ग यात्री ऐसे दिखे जो रामेश्वर से नागपुर आए थे और उन्हें अपने घर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर भी जाना था, लेकिन सभी ट्रेनें रद्द होने से उनको काफ़ी असुविधाएं हुई है। सभी बुजुर्ग जनता कर्फ्यू के दिन से दूसरे दिन तक स्टेशन पर ही भूखे पैसे बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। नागपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री ऐसे भी नजर आए जो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सभी बुजुर्ग यात्रियों को ट्रेन रद्द होने से घर जाने की चिंता सताने लगी थी, यहाँ तक कि उन्हें चारों ओर बंद रहने से खाना भी नहीं मिला था। लेकिन इंसानियत का धर्म निभाने के लिए नागपुर की कुछ संस्थाएं आगे आई और इन बुजुर्गों को खाना भी खिलाया, बल्कि उन्हें निजी वाहनों से उनके घर सही सलामत छोड़ने की जिम्मेदारी भी निभाई। हम खड़े हैं नागपुर के रेलवे स्टेशन पे, जहां मुख्य द्वार पे ही काफ़ी सारे यात्री यहां नज़र आ रहे हैं। रेल प्रशासन ने सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी है, लेकिन इन यात्रियों को ये सभी रामेश्वर से आए हैं, इन्हें अपने घर जाना है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनका हालचाल क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। हम सर आ रहे हैं मिर्ज़ापुर जिला से, थाना अलिया ग्राम सिकटा जिला मिर्ज़ापुर से, मिंधा क्षेत्र और इलाहाबाद प्रयाग क्षेत्र से। हम लोगों को अब घर जाना है। हम लोगों की गाड़ी जब मटे छूट गई, दूसरी गाड़ी से आए थे रात में चेन्नई से। गाड़ी स्टेशन पे कब से बैठे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग रेलवे स्टेशन से दो बजे से इंतजार कर रहे हैं। रेल आई है, कुछ जनबट्टे है निकल गए, उसमें सभी जनबट्टे बंद थे कमरे, अंदर से जनबट्टे यातायात बंद कर थे। हमको अंदर जाने नहीं दिया। कुछ लोग हमारे साथी लोग चले गए, हम लोग 92-94 आदमी थे, जिसमें कि हम लोग 28 आदमी जनबट्टे नहीं चढ़ पाए जनबट्टे है, जिसके वजह से इसमें जो औरतें थी और विशेषकर बुढ़े थे और एक दो जवान थे, वो भी जनबट्टे है साथ में नहीं चढ़ पाए जनबट्टे, इसलिए जनबट्टे सब लोग बाहर ही खड़े रह गए। सर आप कब से हैं? हम रेलवे स्टेशन 2 बजे रात से। हमको मिर्जापुर यूपी में जाना है, हम रामेश्वरम दर्शन करके लौटे हैं। अब लेकिन सारी गाड़ियां जो है कैंसिल हो गई है, तो हम लोग जो है प्राइवेट वाहन रिजर्व करके जो है अपने गांव को जाना चाहते हैं जी। तो ऐसे में सब तरफ बंद है, तो ऐसे में आपने खाना नहीं खाया होगा। अपनी मांग की है कि हमको जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, हमको बॉर्डर पर से क्रॉस करने के लिए जो है सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, और हमको खाने पीने की व्यवस्था के लिए जो है राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग जो है आए और रेलवे प्रशासन ने उनका सहयोग किया। हम लोग यहाँ बैठ करके सुबह से नाश्ता लिए, फल भी पाए और भोजन भी किए, और हमारी गाड़ियाँ लग गई हैं, 3 हमारी तवेरा जो है यहाँ आ चुकी है। हम लोगों ने उसका जो चार्ज जो हम लोगों के पास है उसका वहन करेंगे, और शेष पैसा जो है जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग हैं वो जो है हमारी मदद करने के लिए खड़े हुए हैं कि जो पैसे की कमी होगी हम आपकी मदद करेंगे जी। हमने देखा कि सभी यात्रियों ने अभी भी खाना खाया है, इनकी बहुत असुविधा हो रही थी, लेकिन नागपुर के कुछ समाजसेवी है, उन्होंने इनको खाना खिलाया जो कि बहुत देर से भूखे पैसे यहाँ स्टेशन पे पड़े थे। तो आइए उनसे ही हम लोग बात करेंगे। आपने इन यात्रियों को किस तरह मदद की? एक्चुअली इन लोग का अभी सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ था कि कुछ ऐसे यात्री हैं रामेश्वरम से इलाहाबाद जाने वाले थे, तो इन लोगों का रेलवे की तरफ से सारी अभी ट्रेनें रद्द हो गई है, उसके वजह से ये लोग यहाँ फंस चुके हैं, आगे का इनका साधन नहीं जुट पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर, ये हमारे स्वयंसेवक है रितेश जी पांडे, इनका फ़ोन आया मुझे, तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, कुछ और भी स्वयंसेवी संस्थाएँ आई थी, हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर इन लोगों की पूरी खाने पाने की व्यवस्था वगैरह सब किए हैं, और अभी इनका बाय रोड यहाँ से इनके मिर्ज़ापुर तक जाने की व्यवस्था हो रही है। जो भी है सब इसमें समाज का सभी का सहयोग है, सभी के माध्यम से ये सहयोग हुआ है, तो ये अभी ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे आज। कहते हैं कि मानवता ही दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, जो कि इन सभी संस्थाओं ने निभाया है। इन यात्रियों को खाना देकर, पानी देकर, इनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाकर इन्होंने अपना जो कार्य है बखूबी निभाया है। वीरेंद्र खुबरागड़े के साथ में एकता गहरवार, NBC News नागपुर।